गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू सारिका गुप्ता व्लॉग्स अगेन। तो सुबह हो गई है और हम सब रेडी होके निकल गए हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के लिए। सब लोग अपने अपने रूम से आ रहे हैं, होटल रूम के बाहर हम लोग मिलेंगे और फिर यहाँ से ऑटो करके चलेंगे लिंगराज मंदिर में दर्शन के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने बोला था कि अंताक्षरी का वीडियो मैंने शूट किया है वो डिलीट हो गया, तो वो नहीं दिखा पाई। और ये देखिए धीरे धीरे सभी बाहर आते हुए और अब चलेंगे मंदिर। तो फैमिली चलते हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में, लेट्स गो। तो फैमिली ये है वो होटल पेंटागॉन जहाँ हम लोग भुवनेश्वर में रुके थे और ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं हम सब। और ये देखिए ऑटो भी आ गई, तो अब चलेंगे मंदिर। सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। बाहर ये देखिए छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वगैरह मिल रहे हैं मंदिर के बाहर। और ये है वो मंदिर जिसके अंदर हम जाएंगे, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं है तो आप लोगों को दिखा नहीं सकेंगे, इसीलिए बाहर से ही दिखा देते हैं। तो फिर एक बार ही मंदिर से बाहर आते हैं, फिर देखते हैं आगे का ब्लॉग। मेरी फैमिली पूरी मंदिर के तरफ जाते हुए, और इसके बाद फटाफट मंदिर में हमने दर्शन किया और दर्शन करके वापस आ गए होटल और एक बढ़िया सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया सबने। आदि, पुन्नू, मैं, हम सब ये नाश्ता करते हुए, इडली था, सांभर था, मटर की घुगनी थी, उपमा था, बहुत ही यम्मी ब्रेकफास्ट था। ये देखिए भाई, सिस्टर, हम सब ने मिल के नाश्ता किया, मोलू, निक्की। और ये आ गया मेरा नाश्ता, मेरी प्लेट है, देखिए मज़ा आ गया नाश्ता करके। वैसे भी मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है। चलिए टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छा था। और नाश्ते के बाद ही हमें निकलना है फिर पूरी के लिए। और ये देखिए रिफ्रेशिंग बढ़िया सी चाय भी आ गई। तो फैमिली नाश्ता सबने कर लिया है और कार जो बुक किया गया था वो कार भी आ चुका है। हम लोग सब अब बाहर निकल चुके हैं, देखिए लगेज सबका निकल रहा है और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे पूरी बाय कार। तो अब सब जा रहे हैं कार में बैठने के लिए और फिर चलेंगे पूरी। देखते रहिए आगे। तो फैमिली इसी तरह गाना सुनते, झूमते, मस्ती करते हुए हम लोग बाय कार पूरी के लिए निकल गए। बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके बाद देखिए पूरी हमने एंटर कर लिया। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सारे होटल्स दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे समुंदर का व्यू देखिए कितना सुंदर। समुंदर देखते ही तो बच्चे उछलने लगे हैं खुशी से, उनका मन हो रहा है कि बस अभी कार से उतरे और एकदम बीच पे दौड़ जाए। एनीवेज होटल रूम हम लोग पहुंच गए, सब अपने अपने होटल में पहुंच गए। और ये देखिए रिसेप्शन एरिया में एक चाबी के लिए वेट करते हुए और फिर सब अपने अपने रूम में गए, फ्रेश हुए। और ये रहा मेरा रूम, सब अपने अपने रूम जा चुके, मैं भी अपने रूम में आ गई। मेरे रूम में बस मैं और आदि थे, तो मैंने खुशी और पुन्नू को भी अपने साथ ले लिया। तो तीनों बच्चे हम सब इस रूम में रहेंगे, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी मस्ती होने वाली है तीनों बच्चों के साथ। देखते रहिए आगे, आपको व्लॉग्स में दिखाई देगी पुन्नू और खुशी और आदि की मस्ती। तो रूम में आने के बाद फ्रेश हुए और फिर बढ़िया सा सबने लंच किया। और लंच करने के बाद बच्चे परेशान कर दे रहे थे, तो ये देखिए पुन्नू एक चश्मा खरीदा। तो फैमिली हम लोग लंच करने के बाद आ चुके हैं बीच में, फिलहाल कोई भी नहीं आया है, बस मैं आई हूँ, मेरे साथ पुन्नू है और आदि है। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं समुंदर की तरफ। ये हम लोग नहाएंगे, मजा आएगा फैमिली। यहाँ पे तो गाइस एक बहुत सीरियस, एक बहुत अच्छा न्यूज देना है कि कभी भी अगर कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाओ तो कचरा मत फैलाना, क्योंकि ये बीच बहुत गंदा है। देखिए ये छोटा सा पुन्नू आप लोगों को कितनी अच्छी तरह से समझा रहा है।
तो फॉलो कीजिएगा इस बात को। अगर आप कचरा फैलाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। एग्जैक्टली, और हमारे अर्थ का नुकसान होगा। वेरी गुड बॉय। तो पहुंच गए हम लोग समुंदर के करीब। चलिए समुंदर का व्यू देखिए। और हम लोग नहाएंगे। रुक जाओ, कैमल आ रहा, रुक जाओ। भीगने नहीं जाओ जब तक कि सब लोग आ नहीं जाते। अभी पर तो फैमिली, ये बच्चों ने कुछ सैंड टॉयज खरीदा अभी और तीनों बैठ के यहाँ खेलेंगे। तो किसी की कोई बात सुन नहीं रहे, तीनों बहुत मस्ती कर रहे हैं और सच में बहुत अच्छा लग रहा है बीच के साइड में बैठे हुए। बच्चे खेल रहे हैं और हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं चेयर पे। बहुत मजा आ रहा है। तो फैमिली, इसी तरह बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, खूब मस्ती हुई। धीरे धीरे सब आ गए, भाई, निक्की, मम्मी पापा सभी आ गए और बच्चे देखिए सैंड टॉय खरीद के लाए थे, उससे खूब खेले ये लोग और उसके बाद पानी में नहाए। इसी तरह पूरी में पहला दिन बीच पे सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, खास करके बच्चों ने। बच्चों को तो बहुत मज़ा आया नहाने में। और ये देखिए मोलू के पाँव को कवर करते हुए सैंड से। इसी तरह चलते रहा शाम तक और शाम को फिर मंदिर जाना है। तो बीच पे सब ने मस्ती करके नहा के और इसके बाद फिर वापस हम लोग गए होटल रूम, फिर रेस्ट लिया कुछ देर और फिर नहा धो के निकले सब मंदिर के लिए, क्योंकि आज ही शाम को मंदिर भी जाना था जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए। तो देखते रहिए आगे। तो फैमिली, बच्चों ने तो इसी तरह एंजॉय किया। मैं पानी में नहीं गई थी, मैं बीच पे बैठ के एंजॉय कर रही थी बर्फ का गोला रोज फ्लेवर का, मजा ही आ गया था खाके। तो फैमिली, ये देखिए पूरी का फेमस मिठाई मदन मोहन। और मदन मोहन के बाद फिर सबने खीरा खाया। सब लोग नहा के आ चुके हैं और इसके बाद हम लोग वापस जाने लगे होटल रूम। ये देखिए वापस जाते हुए, ये देखिए फैमिली, यहाँ कुछ सैंड आर्ट बनाया जा रहा है। मस्तक पे चंद्रमा, यानी कि यहाँ शिव जी जरूर बनाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में अगर हम लोग आए होते तो पूरा देख पाते, लेकिन बच्चे भीगे हुए हैं, बच्चों को सर्दी लग जाएगी इसीलिए चले जाएंगे, वरना मैं दिखाई होती आप लोगों को ये पूरा बनते हुए। तो एनीवेज चलते हैं, ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, सारे बच्चे भीगे हुए हैं। तो फैमिली, सब नहा धो के आ गए, आपने देखा ही था। उसके बाद फ्रेश होके सब ने थोड़ा रेस्ट लिया और अभी शाम हो चुकी है और हम लोग सब रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। तो अब मंदिर जाने की तैयारी है। वहाँ भी कैमरा तो अलाउड रहेगा नहीं, तो फिर भी मैं अपने साथ मोबाइल रख रही हूँ मंदिर के बाहर तक एटलीस्ट, और उसके बाद फिर आगे का देखेंगे मंदिर से आने के बाद की क्लिप्स। हाय फैमिली,
कुछ बोलना है तो बोलो फैमिली को। क्या बोलूं? कैसा एंजॉय किया नहा के आज? बहुत अच्छा लगा। कल भी नहाएंगे? घूम लो बेटे, इसके बाद स्कूल खुलने वाला है तब आएगा मजा। ये क्या हो रहा है? वैसे मैं बताऊँ फैमिली, सबकी अलग अलग रूम्स ली हुई है होटल में। मेरे रूम में तो मैं और आदि ही थे बस, तो मैंने पुन्नू और खुशी को भी कह दिया, तो ये तीनों बच्चों को मैंने अपने साथ रख लिया, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। और ये तीनों तो मुझे, मतलब मैं इसकी मासी हूँ, खुशी की बुआ हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अपने फ्रेंड जैसा ही समझते हैं, मुझे भी बच्चा समझते हैं। और देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये कितनी मस्ती कर रहा है, और रात भर आज मुझे ये लोग सोने नहीं देंगे, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, मार खाएगा। तो ठीक है फैमिली, चलिए देखते हैं आगे। फैमिली हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं, दो ऑटो किया था हमने, एक ऑटो आ चुका है, एक ऑटो में हम सारे थे और एक ऑटो अभी तक आया नहीं, तो इसीलिए हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं। दूसरी ऑटो भी आ जाए तो फिर हम लोग मंदिर में चलेंगे साथ में। तो फैमिली दूसरी ऑटो भी आ गई, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, इसके बाद तो मोबाइल फ़ोन हम लोग आगे ले नहीं जा सकते। एनीवेज मंदिर में दर्शन किया, बहुत अच्छे से, भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन दर्शन अच्छे से हो गया, ये अच्छी बात है। और देखिए मंदिर के बाहर से मैं आपको जितना हो रहा है दिखा दे रही हूँ, इसके बाद फ़ोन जो है वो हम लोग जमा कर देंगे काउंटर पे। और मंदिर में दर्शन के बाद सबने डिनर किया, और डिनर के बाद ख़त्म हुआ आज का ब्लॉग। फैमिली सब खाना के लिए वेट कर रहे हैं डिनर मंदिर से आने के बाद, और 45 मिनट्स हो चुके हैं, अभी तक खाना आ नहीं रहा, तो सब को भूख लगी हुई है और सब इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से खाना आएगा, कब खाना आए। सबको भूख लगी हुई है आज। पुन्नू तो सोने की हालत में है, देखिए उसके अंदर जान ही नहीं बचा कुछ बोलने का, नींद आ रहा है बेचारे को, भूख लगी है। खाना ले आओ पुन्नू को, भूख लगी है भाई। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद खूब मस्ती हंसी मजाक भी हुआ, और इसके बाद फाइनली खाना आ ही गया, और फिर सब ने खाया डिनर और अपने अपने रूम्स में चले गए। फ्रेंड्स रात को 12 बजे है और ये तीनों बच्चे मेरे रूम में देखिए डिनर करने के बाद बैठे हैं कुछ ऊनो गेम खेलने के लिए, और इन लोगों का ख़त्म ही नहीं हो रहा, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं पापा के रूम में थी, मम्मी पापा के रूम में, पापा के पाँव में दर्द था तो मैं तो तेल ऑलरेडी लेके आई हूँ मसाज वाला, तो पापा के पाँव में मसाज देके आई, और मैं भी थक चुकी हूँ, और ये बच्चे जो है ये मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं ये गेम ख़त्म होगा तो फिर मुझसे कहानी सुनेंगे। और पुन्नू के मम्मी पापा, खुशी के मम्मी पापा, ये लोग सब तो आराम से सो रहे हैं, और मेरे रूम में देखिए, और इतना ज़्यादा ये लोगों ने रूम को बिखेर दिया है, देखिए रूम की हालत। यहाँ पे एक सोफ़ा था, इन लोगों को दिक्कत हो रहा था तो वो सोफ़ा ले गए हैं ये लोग इस तरफ, और सारा रूम बिखेर के रखा हुआ है देखिए। ये सब कुछ मुझे सुबह उठ के साफ करना होगा, होटल रूम को भी। क्या हो रहा है तुम लोगों का? फैमिली मेरा कार्ड सारा फेंक दिया, मेरे को पापा डांटते के सुबह। तो उठाओ, क्या हो रहा है खुशी? चलो अब सारा उठाओ तो सब कोई। नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, नहीं किया उसको, देखिए ये क्या किया है, ये खुशी की है सबसे ज्यादा, हम देख रहे थे। सारा उठाओ, सारा इकट्ठा करो, सोना भी है कि नहीं, रात हो गया। देखिए ये लोग रात भर ऐसे ही करने वाले हैं मेरे रूम में उछल कूद, और सोने मुझे मिलेगा नहीं आज, मुझे पता है ये। मेरे भी पाँव में काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अभी तक बिस्तर पे मुझे जगह ही नहीं मिल रही है इन दोनों के, तीनों के वजह से। देखिए सारा घर बिखेर के रख दिया, इन लोगों का ख़त्म हो, ये लोग थक के सो जाएं तो फिर जाके कहीं मैं सो पाऊँगी, और ये लोग सोएंगे नहीं, बोल रहे गेम ख़त्म हो गया, इसके बाद बुआ से कहानी सुनेंगे। तो बताइए, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है कि मैं अभी इन लोगों को कहानी सुनाऊं। प्लीज मेरे को हेल्प कर दीजिए। हाँ कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब
ये सारा कार्ड बिखर चुका है, ये सब कुछ सफाई करूं, और सोचिए रात के 12 बजे ये सब कुछ चल रहा है हमारे रूम में, और जबकि रूम के बाहर सब एकदम सो चुके हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन मेरे रूम का हालत देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। इन लोगों का तो चलता ही रहेगा। पुन्नू नीचे फ्लोर में डिस्टर्ब होगा, इन लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा। फ्रेंड्स, मैं अब रूम की सफाई कर लूँ, फिर कहीं जाके सो पाऊँगी। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल तो संडे है और कल फुल डे बीच पे मस्ती करने वाले हैं ये लोग, नहाने वाले हैं, नहाने। और कल इन लोगों ने कहा है कि मुझे भी नहाने के लिए, तो देखती हूँ कल होगा तो पानी में मैं भी पानी में उतरूंगी। आज तो मैं नहीं उतरी। और ये है देखिए पुन्नू का पुन्नू डांस। चलो नीचे देखो। तो आज के लिए बस इतना ही। पुन्नू गुड नाइट कर दीजिए व्यूअर्स को। गुड नाइट फैमिली, खुशी से गुड नाइट टू जीएन। और पुन्नू जी यहाँ गिर चुके हैं डांस करते करते सोफे पे। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर कल। कल बीच पे जाना है और बहुत कुछ मजा आने वाला है कल भी। बाय बाय फॉर टुडे। काफी रात हो चुकी है, घर की रूम की सफाई करूं और फिर थोड़ा रेस्ट लूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन लोगों का शरारत खत्म ही नहीं हो रहा, देखिए मुझे। ये सब्सक्राइब टू सारिका गुप्ता व्लॉग्स। मत कर, व्लॉग खत्म कर रहे हो। ओके ओके, मैं एंड करूंगा। हां इसका एंड करो, करो एंड करो। थैंक यू सो मच फैमिली देखने के लिए। सब्सक्राइब टू सारिका गुप्ता व्लॉग्स एंड लाइक द वीडियो। तब तक के लिए एंड शेयर एज मच एज यू कैन। यस, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट फैमिली। इसके बाद भी रात को ये लोग सोए नहीं, काफी देर तक बहुत कुछ मस्ती करते रहे। वो सब मैं कल के व्लॉग में दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो ही जा रही है। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।